प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है काव्य दोष। काव्य में जिस प्रकार शोभाकारक धर्म गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो काव्य को उत्कर्ष की बजाय हीन या खराब बनाती हैं। जिस प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं उसी प्रकार और गुण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनसे काव्य की शोभा घटती है। अतः उन कारण जिनसे काव्य की शोभा घटती है काव्य दोष कहा जाता है। काव्य आस्वाद व रस के परिपाक में बाधा पहुंचाने वाले, यानी काव्य जब हम पढ़े या सुने तो उसके आनंद में जब बाधा उत्पन्न हो या रस के परिपाक में बाधा हो तो उसे काव्य दोष कहेंगे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ रस की उत्पत्ति में बाधा हो वो दोष होते हैं, जहाँ काव्य का माधुर्य सौंदर्य नष्ट हो जाता है तथा काव्य आनंद में व्याघ्यात हो वहाँ काव्य दोष होते हैं। किसी भी कविता में या काव्य में मुख्य अर्थ शब्द और अर्थ और रस के आधार पर आश्रित होता है, यानी उसका या उसमें शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, फिर उसका अर्थ महत्वपूर्ण होता है और उससे फिर रस की जो उत्पत्ति होती है वो महत्वपूर्ण होती है। इस आधार पे काव्य दोष भी तीन प्रकार के माने गए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। पहले हम बात करेंगे शब्द दोष की। शब्द दोष, शब्दों में पाए जाने वाले दोष को शब्द दोष कहते हैं। ये 16 प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, कवि के कठिन कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषमोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यहाँ शब्द कर्णकटु हैं, विषमोत्कृष्टता विचारोत्कृष्टता ये कर्णकटु शब्द हैं, अतः यहाँ शब्द दोष है। यह एक और उदाहरण देखिए, ऐसी गति संसार की जो गाडर को ठाट, एक परत जो गाड़ में सर्व गाड़ में जात। ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है जबकि कविता में अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। इस प्रकार के जो हैं कात्यार्थी, कर्त्यार्थी तब होंगी मिली है जब पिए आए, यहाँ शब्द कर्णकटु है, उच्चारण भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये होते हैं शब्द दोष। दूसरे होते हैं अर्थ दोष। अभीष्ट अर्थ के विपरीत अर्थ को व्यक्त करने की स्थिति में अर्थ दोष होता है। जो अर्थ हमें दिख रहा हो या जो अर्थ निकल रहा हो उसके विपरीत अर्थ निकलता है, दिखता कुछ और है अर्थ कुछ और निकलता है। अर्थात जहाँ अर्थ वास्तविक अर्थ का बोधक नहीं है, वास्तविक अर्थ जो है वो नहीं है, कुछ और ही अर्थ होता है, वहाँ अर्थ दोष होता है। अर्थ दोष 23 प्रकार के होते हैं। एक उदाहरण देखिए, तो परवारो चार मृग चार विहंग फल चार, तो परवारो चार मृग चार विहंग फल चार। अब यहाँ दिख तो ये रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर चार मृग चार फल और चार पक्षी नौछावर करता हूँ, लेकिन अर्थ कुछ और निकल रहा है। यहाँ चार मृग हैं, नयन हिरण के समान गति, गज के समान कटी, सिंह के समान घूंघट, हाथी के समान, और चार विहग कि तुम्हारी वाणी कोयल के समान, गर्दन कपोत के समान, केस मोर के समान, नासिका तोता के समान। चार फल दांत अनार अधर बिंब कपोल मधुक और गाल सिंह। यहाँ अर्थ स्पष्ट रूप से जानने में कठिनाई हो रही है, अतः कष्टार्थ दोष है। इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो कहलाते हैं अर्थ दोष। तीसरे प्रकार के दोष होता है रस दोष। जहाँ मुख्यार्थ द्वारा होने वाले रस के परिपाक में अड़चन आती है वहाँ रस दोष होता है। मुख्यार्थ द्वारा जहाँ रस का परिपाक हो और उसमें अड़चन आ जाए वह रस दोष होता है। यानी रस का जब परिपाक होने लगता है, रस की उत्पत्ति होने लगती है तो अड़चन आ जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, मधु कहता है हे ब्रजवालो उन पदम पद्मों का करके ध्यान, जाओ जहाँ पुकार रहे हैं श्री मधुसूदन मोद निधान, करो प्रेम मधुपान शीघ्र ही यथा समय का ध्यान विधान, यौवन के सरसाल योग में काल रोग है अति बलवान। यहाँ काल रोग शब्द जो है वह रस दोष में बाधा डालता है, इस प्रकार ये कहलाते हैं रस दोष।
अब हम अलग अलग दोषों की जो हमारे पाठ्यक्रम में दोष हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहला दोष है अकर्मत्व, जहाँ पर वाक्य का अनुचित क्रम हो अकर्मत्व दोष होता है। जैसे वाक्य में अनुचित क्रम हो, सीता जो रघुनाथ को अमल कमल की माल पहिराई, जनु सबन की हृदयावली भूपाल, यहाँ सबन शब्द भूपाल के साथ उपयुक्त बैठता है। सबन शब्द जो है वो भूपाल के साथ आना चाहिए था, लेकिन सबन शब्द आ गया पहले, ये अकर्मत्व दोष है। इसी प्रकार समय सबल निर्बल कर्त कहत मन हु यह बात, इस पंक्ति में यह शब्द सबल निर्बल, समय सबल निर्बल कर्त के बाद होना चाहिए था। एक और उदाहरण देखिए, विश्व में लीला निरंतर कर रहे थे मानवी, यहाँ मानवी शब्द का प्रयोग लीला से पहले होना चाहिए था, लेकिन क्रम सही नहीं है, ये कहलाएगा अकर्मत्व दोष। दूसरा होता है दुष्कर्मत्व दोष, जहाँ लोक और शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन हो, लोक शास्त्र विहित जो निर्धारित किया गया है उस क्रम का उल्लंघन हो, वह कहलाता है दुष्कर्मत्व दोष। जैसे लीन उखारी पहाड़ विशाल चलो ते ही काल विलंब ने लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ले जाओ, यहाँ मन को शब्द सबसे पीछे होना चाहिए था, क्योंकि मारुत मन जो है उसकी गति सबसे तेज होती है, लेकिन बीच में आ गया, अतः दुष्कर्मत्व दोष है। इसी प्रकार कवि जब लोक या शास्त्र में प्रचलित कर्म के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे नृपम को होए दीजिए अथवा मत गजेंद्र, यहाँ घोड़े से पहले हाथी मांगने का क्रम होना चाहिए था, यानी पहले हमेशा महंगी वस्तु मानी जाती है और फिर कहा जाता है कि ये नहीं तो ये तो दे ही दो कम से कम, लेकिन यहाँ क्रम उल्टा है। तीसरा है श्रुति कटुत्व, काव्य रचना में सुनने में कटु लगने वाले कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाए, काव्य रचना में सुनने में कटु लगने वाले कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाए, वहाँ होता है श्रुति कटुत्व दोष। जैसे वक्र वक्र करी पुच्छ करी रुष्ट रिच्छि कपि गुच्छ, सुभट ठह घन घट समृद ही रच्छ सतुच्छ, या कत्यार्थी तो बहूंगी मिलिए जब पी आए, यहाँ शब्द कर्ण कटु हैं। या एक और उदाहरण देखिए, भर्त्सना से भीत हो वह बालक तब चुप हो गया, भर्त्सना बहुत कठिन शब्द है। तीसरा होता है अप्रतित्व, जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो किसी शास्त्र विशेष का प्रभातित शब्द हो, किसी शास्त्र में प्रयोग होता है, काव्य में उस शब्द की उपयोगिता नहीं होती, और व्यवहार में जिसका प्रयोग होता ही नहीं है, सामान्य जीवन व्यवहार में जिसका प्रयोग नहीं होता, वह दोष प्रयोग वह शब्द अगर प्रयोग कर दिया जाए तो अप्रतित्व दोष होता है। जैसे तत्व ज्ञान की ज्योति सो भो आशय को नाश, कर्म किए परहे नहीं ताकू कब हो पास, यहाँ आशय शब्द जो है जो योग शास्त्र का परिभाषिक शब्द है, इसको कविता में नहीं होना चाहिए था, यह प्रसिद्ध शब्द है। अगला होता है ग्राम्यत्व, जहाँ कव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए वह ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे हे रे ब्रज नंदन तेरे मुख की चकोर हूँ मैं, ऐरे घन श्याम तेरे रूप की हूँ चात की, यहाँ ऐरे शब्द जो है वह ग्रामीण शब्द है। और उदाहरण देखिए, या गति संसार की ज्यों गाडर को ठाठ, एक प्रत जो गाढ़ में सर्व गाढ़ में जात, ठाठ और गाढ़ ये ग्रामीण शब्द हैं। क्लिष्टत्व अगला दोष है, क्लिष्टत्व जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसका अर्थ बड़ी कठिनाई से लगे, साधारण पाठक या साधारण श्रोता उसका अर्थ नहीं लगा सकता, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे खगपति पतितिये पितु वधु जल समान तुब बैन, हंस वाहनी रति पिता दल समान है नैन, खगपति पतितिये पितुवधु जल समान तुब बैन, हंस वाहनी रति पिता दल समान है नैन, खगपति खग पक्षी उसका मालिक गरुड़, पक्षियों का स्वामी गरुड़, गरुड़ का स्वामी विष्णु, विष्णु की स्त्री और विष्णु स्त्री का पति पिता फिर उसकी वधु, ये इस प्रकार का एक जाल सा बुन दिया गया है यहाँ अर्थ में, वो कहलाता है क्लिष्टत्व। अगला है चित्त संस्कृति, जहाँ किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो व्याकरण के प्रतिकूल हो वह चित्त संस्कृति दोष होती है, व्याकरण के प्रतिकूल होता है वो शब्द। इस निराशता को छोड़ो आशा से काम लो, यहाँ निराशता शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल है, निराशता को शब्द होता ही नहीं है, निराशा होती है, निराश होता है, लेकिन निराशता, पूजनीय श्रीमान जी हमको करें कृतार्थ, यहाँ पूजनीय और श्रीमान जी दोनों शब्दों व्याकरण के विरुद्ध हैं। अश्लीलत्व है, जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो जो
लोक व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन वो कवि कविता में कर देता है, वह अश्लील तो दोष होता है। मिची आँख पिए की निरखी वायु दीने तत्काल, यह वायु का अर्थ अपान वायु से है जो अश्लील शब्द है। न्यून पदत्व, जहाँ अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो, यानी जो अर्थ होना चाहिए उसके लिए कोई शब्द होता है वो शब्द ना हो, वह कहलाता है न्यून पदत्व दोष। एक शब्द और होना चाहिए था लेकिन वह नहीं है। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु, यहाँ समान व्यवहार शब्द जोड़ा गया है, छोड़ा गया है, यानी पानी पावक पवन और प्रभु इनका एक समान शब्द होना चाहिए था। कवि कहना चाहता है कि ये चारों साधु तथा असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं। पानी पवन पावक और प्रभु। अधिक पदत्व, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी शब्द की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, वह अनावश्यक शब्द दोष दिखाई देता है, ये कहलाता है अधिक पदत्व दोष। लपटी पुह पराग सद पद शनि स्वेद मकरंद, पराग तो पुष्प का ही होता है, अतः पुह शब्द अनावश्यक है, पराग आ गया तो पुष्प आने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार ये अधिक पदत्व दोष है। इस प्रकार ये दोष काव्य दोषों का पाठ आपका जो अध्याय पूरा हुआ।